लेसन है मैम कक्षा 11 और 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम का पार्ट 2 भाग 2 जो है वो पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने प्रश्न करवाए हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है या पत्रकारिता के माध्यम कौन से होते हैं, संचार के माध्यम कौन से होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उस दृश्य श्रव्य माध्यम क्या होते हैं और श्रव्य माध्यम कौन सा है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें किस प्रकार से जो खबर होती है उसको छापा जाना चाहिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अब इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में कि इंटरनेट पत्रकारिता में सबसे पहली बात कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पर जो भी समाचारों का आदान प्रदान होता है उसे हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के और कौन कौन से नाम हैं? इसे साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। इसके बाद है इंटरनेट पत्रकारिता के कितने दौर हुए हैं, कितने पार्ट हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है 1982 से 1992 तक, ये पहला दौर हुआ था। इसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर हुआ 1992 से 2001 तक। इसके बाद जो आगे शुरू है वो 2002 से शुरू हो चुका है, ये इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर है। इसके बाद भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की, मतलब सबसे पहले कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंटरनेट पर जिसने विशुद्ध पत्रकारिता शुरू की थी, उसका नाम है तहलका.com। ये तहलका.com है जिसने की पूरे इसने इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता का प्रारंभ किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सत्यापित। सत्यापित मतलब कि जो इंटरनेट पत्रकारिता है उस पर खबर कैसी होती है, सत्यापित होती है, बिल्कुल सही होती है, एक्यूरेट होती है और उनकी पुष्टि की जाती है, वो किसी भी प्रकार से कोई गलत खबर या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं छापा जाता। सत्यापित और पुष्ट होने के कारण यह पत्रकारिता, कौन सी पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता, ये लोकप्रिय है क्योंकि सभी को, एक तो सबसे पहले बात है कि इंटरनेट पर जैसे ही घटना घटित होती है उसको, उस समाचार को उसी समय पर डाल दिया जाता है और वो सही घटना होती है, सत्यापित होती है और पुष्ट होती है, इसी कारण ये लोकप्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। मैंने पहले भी बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली में जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होता है, ऊपर की साइड में ये नोक वाला हिस्सा होता है और नीचे इस प्रकार से होता है, ये होता है पिरामिड। लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उल्टा पिरामिड शैली की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो खबर छपती है वो सबसे बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर छपती है या महत्वपूर्ण खबर को प्रकाशित किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी होती है, फिर कम यानी कि उससे कम महत्वपूर्ण और अंत में फिर बात का समापन होता है। और नेक्स्ट और लास्ट है आज के लिए कि निश्चित कोई भी पत्रकार, जो पत्रकार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो निश्चित समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि नियमित वेतन भोगी जो होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। पूर्ण मीन्स पूरा, कालिक मीन्स समय, पूरे समय के लिए जो किसी समाचार संगठन से जुड़े हुए होते हैं वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।